दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। आज के लेसन में हम लोग स्ट्रिंग्स के नाम देखेंगे, फिंगर नंबरिंग देखेंगे और स्ट्रिंग का वर्किंग टेक्निक देखेंगे और एक सिंपल एक्सरसाइज देखेंगे। होपफुली आपने पिछला लेसन देखा हुआ है और आप पहला एक्सरसाइज सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स के नाम क्या होते हैं। हमेशा हम लोग स्ट्रिंग नीचे से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला जो स्ट्रिंग है उसका नाम है ई, दूसरा जो स्ट्रिंग है उसका नाम है पी, उसके बाद जी, उसके बाद डी, ए और ई। ये नाम आप एक फ्रेज है उसके द्वारा आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। वो फ्रेज है ई बिगड़ा ई, ई बी ग डा ई। यहाँ पे हम लोग दो ई नोटिस करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस पिच वाइज डिफरेंस है। ये पहला वाला ई जो है वो हाई है पिच में और सिक्स स्ट्रिंग का ई है वो है लो। अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग का टेक्निक, वर्किंग टेक्निक क्या होता है वो एक्सप्लेन करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है पहला या फिर सारे स्ट्रिंग वो एक यहाँ पे टच है नट के ऊपर एंड डायरेक्ट टच है यहाँ पे ब्रिज के ऊपर, बीच में कहीं भी वो टच नहीं होता है। एक सर्टन लेंथ होती है स्ट्रिंग की। अभी इन दिस केस ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ई नोट की फ्रिक्वेंसी को ट्यून की गई है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, स्ट्रिंग की लेंथ जैसे आप कम कर दोगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है एंड हमको, हम लोगों को जो साउंड मिलेगा वो चेंज हो के आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अभी ये ओपन स्ट्रिंग बजाता हूँ। अभी इसी स्ट्रिंग से मुझे अगर दूसरा कोई नोट बजाना है तो मैं अपनी उंगलियों से यहाँ फ्रेट की तरफ दबाता हूँ ज़ोर से और मुझे दूसरा नोट मिलता है। इस केस में ये जो फर्स्ट फ्रेट मैंने होल्ड किया है उसका नाम है F। अभी हम लोग फिंगर नंबरिंग देखते हैं। इंडेक्स फिंगर को हम 1 कहेंगे, ये 2, 3 और ये 4। थंब को हमेशा हम लोग थंब ही कहेंगे। स्ट्रिंग बजाने के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है वो मेटल वाली फ्रेट लाइन को टच करती है और उसके बाद हमें नया साउंड मिलता है। आपको ये देखना है कि आपका प्रेशर इतना एडिक्वेट होना चाहिए कि वो स्ट्रिंग प्रॉपरली मेटल को टच कर रही है। अगर आप बीच में कहीं लेस प्रेशर से प्लग करते हो तो आपका साउंड इस तरह आ सकता है। तो आप वो ज़रूर चेक कीजिए कि आप प्रॉपर पोजीशन पे आपने हाथ प्रॉपर पोजीशन पे आपने उंगली रखी है। फिंगर टच करने के बाद यहाँ पे एक लाइन आ जाती है सीधी, जो फिंगर टिप है लाइन, ये करेक्ट स्पॉट है हर एक फिंगर का। अभी इस फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं मेरी पहली फिंगर फर्स्ट फ्रेट के कॉर्नर में दबाऊंगा। आपको दबाना फ्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, ऐसा अगर आप करते हो तो आपको बजिंग साउंड मिलेगी। आपको जस्ट नेक्स्ट टू दैट फ्रेट लाइन दबाना है ज़ोर से और फिंगर टिप आप यूज़ करेंगे, ना कि ये पॉइंट। हर एक फिंगर टिप जो होता है एंड ऑफ द फिंगर्स वो आप यूज़ करेंगे। अभी मैंने ये फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट ज़ोर से दबाया है विथ माई फिंगर टिप और मेरा थंब पीछे से सीधा है एकदम, आप इस एंगल से देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट इन दी मिडल है नेक के और वो सीधा है। मेरा जो रिस्ट लाइन है वो पैरलर है नेक को। मैंने मेरा थंब का मसल यूज़ किया है प्रेस करने के लिए। मैं सेम फ्रेट अभी 4 बार बजाऊंगा, डाउन अप डाउन अप।
सेकेंड फिंगर से सेकेंड फ्रेट बजाना है, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ। आपका थंब रिलेटिवली मूव कर सकते हो, वो एक ही जगह होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सरसाइज मैं दोबारा करता हूँ इन रियल टाइम। ये एक्सरसाइज आप फर्स्ट स्ट्रिंग पे 10 बार कर लीजिए। आपका आवाज़ अगर बजिंग साउंड है तो आप अपना फिंगर का प्रेशर और फिंगर का पोजीशन चेक कीजिए। आप ये एक्सरसाइज अगर सक्सेसफुली कर सकते हो तो आप नेक्स्ट लेसन के लिए तैयार हो। नेक्स्ट थिंग जो हम करने वाले हैं, मैं फर्स्ट स्ट्रिंग से चालू करूंगा, उसके बाद में सेकेंड स्ट्रिंग बजाऊंगा, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये एक्सरसाइज भी आप धीरे धीरे कीजिए। तक आने के बाद आप फिर से नीचे आ सकते हैं। क्लियरिटी में ये एक्सरसाइज बजने के लिए आपको एक घंटे से एक वीक तक का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सिचुएशन। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं। कभी कभी इनकेस किसी को गिटार होल्ड करने में डिफ़िकल्टी होती है, इनकेस उनके फिंगर्स मोटे होते हैं या फिर उनकी बॉडी मोटी होती है, इन दैट केस आपको देर लग सकती है। बट आप ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए और मेरे साथ बजाने की कोशिश कीजिए।
मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा लेसन और वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।